70 इंसान पर कैफियत तारी थी मुख्तलिफ, ये सर उसके अंदर की बात है या कोई बाहर से बात होती है? बाहर से आए बात या अंदर से आए? वारद होना तुम्हारा ही नाम है, तेरी जात में वारद हो रहा है। हथौड़ियों के चोट हो बाहर से या अंदर ही पेट में दर्द हो, बराबर है। इसमें रोने तुमने है, चपेट लगी है बा हजूर की, रो पड़ा वो अंदर से चपेट लग जाती है। बालों बाद इंसान के जिसम में बेशुमार नाजुक नाजुक हिस्से है। कुछ डॉक्टर हो तो मैं आपको बताऊं, वो डॉक्टर कह रहा है इसका जनाब फलाजी खराब हो गई है, जिगर के अंदर जो है ना वो राज जिगर का खराब हो गया, इसके अंदर ये वाक्य हो गया, इसके अंदर वो वाक्य हो गया। वो सारे जो है ना खूबसूरत जो आजा है वो कभी कभी तंग करते, ये भी दर्द हो सकती है। और कभी कभी जैसे भूरी बात याद आती है रोना, वो देर वाले टाइम एक वक्त था मैंने सोचा था मगर ये तो नहीं सोचा था, वो मैंने चाहा था मगर ये तो नहीं चाहा था। चलते 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 कहां से कहां निकल जाता वो ज्यादा जाता था। कभी कभी उसे पुस्तक मिल जाता था कि जिस तरह वो न रहा शायद ये भी न रहे। सागर क्या बात समझाई? जिस तरह हमारे बाप चले गए शायद हमारे बच्चों के बाप भी चले जाए। भाई कहते ये न को जो अल्फाज वापस ले ले अभी न कह, 25 साल के बाद कहूंगा ठीक है राजी हो गया। तो जब भी होता है ये उधर पहले हमारे वालदेन फिर हमारे बच्चों के वालदेन चले चल 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 फटाफट चलते जा रहे हैं। कोई एडवांस बुकिंग करा देते हैं, कोई पैसे ही बदले पे दार लिया जाता है कि दोस्त को छोड़ने जाओगे चल तुम्हें साथ चल तो चल चलते क्या फर्क पड़ता है। अच्छी बात है ना, तो गोया के बाहर से चोट लगे अंदर से चोट लगे, ये आपने रिजर्व की बात है। वो शेर है जर्व का, इश्क की चोट तो पड़ती है सबों पर जक्सा, जर्व के फते आवाज बदल जाती, तो जर्व का फर्क हो तो आवाज बदल जाती। मकसद ये कि वही गम है ऐसे को राज बताऊं याद रखने के लिए, याद तो रखोगे नहीं। ए इरफान क्या होता है जानते हैं? अगर कोई शख्स पहले मैंने कहा कॉल है मौलाई कॉल कि चिमगादर को स्टडी कर लो इरफान मिल सकते हैं। अगर आप किसी एक इंसान को कायनात में मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड क्वाड्रिलियंस इंसान छोड़ दो, चलो इन्फिनिटी कह लो, इस सारी कायनात के इंसानों में से किसी एक इंसान से अगर आगाह हो जाओ, फर्ज करो आगाह हो जाओ, तो आगे स्टेटमेंट देने लगा हूं स्वीपिंग, तो आप इस कायनात के हर इंसान से आगाह हो। ये इरफान है। अगर आप यूं कहो कि आप अपनी जात से आगाह हो जाओ तो आप कायनात से आगाह हो जाते। हाँ, जिसने आपने आप बचाना उसने आपको बचाना। तो गोया कि एक इंसान का जानना ये है इरफान। इरफान क्या है? एक इंसान के मारम होना बाखबर होना, ये है इंसानों को जानना। जिसने इंसानों को जान लिया उसने अल्लाह ताला को पहचान लिया। तो अल्लाह ताला क्या है? अगर आप इस तकनीक पे गौर करो अपने आप पर, वो कैसे गौर करेंगे? छोटी छोटी बात अपने आप पर गौर करने का तरीका यह है, अपने आप को पूछो कि मैं उदास क्यों हूं, पूछो मैं खुश हूं, पूछो मुझे कहां जाना है, पूछो जब मेरे दावे इतने बुलंद है तो मेरे हाल की बात जुड़ता है, दावा तो मेरी परसेप्शन का है और हाल अजुर्द शरीफ हुआ पड़ा है। अगर मैं अपने आप को दना भी मानता हूं और गलती भी करता हूं, किसी को मैं अपने रानुआ भी नहीं मानता हूं और फिर मैं जंगल बहबान खो भी जाता हूं। बात समझा रही आपको? अपने आपको यह पहचानो कि मेरा गम कहां से बनता है, खुशी कहां से बनती है, मेरा असल क्या है, मेरा राज क्या है, कहां से लाया, किसने मुझे इस जहान में अजनबी में भेजा, और हम जब कि मैं ठहरने लगा वो कहते आ जाओ, ये क्या है, कौन है इसके ये पीछे? बात समझ आ रही आपको? इसको अगर आपने पहचान लिया तो आपने कायनात के खालिक के करीब पहचान ली, तो ये है बात बोला कि देखा बाहर को आईना बाहर था और उतरे आप अपने अंदर।
क्या था अजमेर क्या था बाढ़ बना था और उतरे कहा पर तेरी मेरी तलाश मुझे तेरे सामने लाई या तेरी तलाश मुझे मेरे सामने लाई, ये दोनों बराबर है बात भाई। तेरी तलाश मुझे मेरे सामने लाई, मैं आईने में जब उतरा तो रूबरू था तू, अब आईने में उतरा तो फिर देखा तो और था। कभी ऐसे इत्तेफाक हो जाके आप आईने के सामने खड़े हो गौर कर रहे हो और कोई बोल पड़े उससे बात कर लो जो आईने के अंदर सुना अभी क्या हाल है, लेकिन तू क्या हाल पूछने वाला है, तूने पूछा कभी और ही बोल पड़े आगे आपको और ही बात समझ आ जाएगी। अगर यूं कहो आप तनाई में बैठे हैं तनाई सोच रहे हो जी कौन है इसे हमारे ख्याल से बाखबर होना रात है तो नहीं है, अगर कोई और आवाज आ जाए तो हम बड़ी देर से तेरा ख्याल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम तो सुबह से तुम्हारे साथ है हमेशा से तेरे साथ है। अगर ऐसी कोई आ जाए जादूगरी वो आपको बोले सब होश आ जाए कि मैं अकेला नहीं हूं कोई और भी है मेरे साथ सफर कर रहा, अगर ऐसा हो जाए तो कि तन्हाई में अगर आपकी तन्हाई न रहे तो फिर ये और ही बात, ये बात नहीं ऐसा हो सकता है ऐसा होता रहा है लोगों के साथ, उन्होंने अपने आप को देखा कि मैंने देखा अपने आप को कि मैं उस हाल में था, फिर मैंने देखा अपने आप को कि मैं इस हाल में था, अब मैं कौन है और देखने वाला कौन है देखा जाने वाला कौन है, क्या दो मैं होते हैं क्या एक मैं होता है, और जब दो होते हैं तो फिर तीन हो सकते सारी काय नाच हो सकती। अब ये राज मकसद यह है कि एक और राज कहने सुनने वाली बात, दूसरे का चेहरा उस वक्त तक चेहरा नहीं जब तक आंख मेरी में बिनाई नहीं, मुक्तदार की कहानी है तो मेरी बिनाई रहना यही तुम्हारे चेहरे बनती है, तो तुम किस चेहरे के रूप करते जा रहे हो, हमारा देखने का अंदाज है, हम चाहते तुम्हें दुश्मन देखते हम चाहते तुम्हें दोस्त देख रहे हैं, तो तेरे चेहरे की हुस्न जमाल क्या है ये मेरा अंदाज है नजर, तो ये कायनात जो है ना सारी तेरे साथ तल्लक है। आपको समझ आई बात नहीं समझ आ रही ना, नहीं समझ आई इसको, आवाज जो है गुल की आवाज या बुलबुल की आवाज वो तेरे कानों की समाज करना, रंग जो है ये तेरी आंख की बिनाई करना, और जो सारा इरफानियात है ये तेरे रूह के लुत्फ है रूह की नफाज का नाम है, बल्कि जायका है तेरा ना हो तो फल में घास नहीं आती, वो क्या फल मीठे हो रहे हैं सुबह से छा कर मीठे हो रहे जुकाम हमें तो पता ही चलता मिठास आती है, तो ये है कि सारी कायनात तेरे दम से है एक हिस्सा है और मैं कायनात के दम से हूं, इन दोनों के दिमाग कहानी है बात समझ आ रही आपको, कभी मैं कायनात हूं और फिर मैं ही मुहिमा हूं, कभी मैं हल करता हूं तो वो मुहिमा बन जाता है, कभी बाहर से चोट लगती है कभी अंदर से चोट लगती है, कायनात जी है गौर करते जाओ लुते लेते जाओ लंबी चौड़ी कहानी बनी है, अपने आप को संभालो जिंदगी मुख्तसर सी है इसके बाद बनी रहे न रहे, हल्का है दुश्मन अग्नि मत जान हल्का है दोस्तान मिले न मिले, जो मिल रहा है उसको मिल लुत्फ पैदा करो, हर नमाज आखिरी नमाज समझ के पढ़ो उसको आराम से पढ़ते जाओ, फखर की जरूरत कोई है और मायूस होने की भी जरूरत कोई, ये भी याद रखना क्या कहा बात कहो मायूस होना, मायूस इसलिए ना हो कि वो अल्लाह जिसने कुरान पाक भेजा कौम के साथ निजामी साबरी और ताके बदले में घोड़े शरीफ थे चिश्ती शरीफ थे बदले तो शरीफ थे आप शरीफ थे हम शरीफ मतलब ये आस्ते आस्ते बाइफरकेशन होती गई, फिर दूसरा सिलसिला आ गया उसके अंदर भी होती गई, तीसरा सिलसिला उसके अंदर भी होती गई, और फिर मुजद साहब के अंदर आ गया फिर सिलसिला होता गया, फिर वो जिक्र खफी करने वाले मैंने खुद अपने कानों से सुना कि खफी करने वाले जो है अल्लाह जिक्र खफी करते हैं कुछ पूछे बोलते ओ एक खफी वाला जली महफिल में पास पहुंचा कहते गवाच गया जे किस बात का तू ऊंचा पुकारे उसको कहते हैव यू लास्ट टाइम गवाच गया वो मुझे बाज गया आपने बोलो दूर दी बाजा मार दे पे हो अच्छा खासा वो तुम्हारा आदमी था फिर सर
एक और मिसाल मैं आपको बताऊं, ये संदीप वाक्य है। एक शाम मगरब की नमाज मस्जिद के अंदर पड़ी, गुजार हुई, हम निकलते जैसे बदले साफ की तरफ लेफ्ट की तरफ, मेरे बाद एक आदमी की जगह थी लेफ्ट में, वो आगे खड़ा हुआ और जब मौलवी साहब ने पढ़ी ना बोले दुआली, सारे लोग ऊंचे बोले आमीन, मैं सुनता रहा। अच्छा वो जो साथ खड़ा था ना कहां था, क्योंकि नमाज पढ़े काम नहीं बोटली उठाई और भाग गए। मतलब देखा मैंने उसने कहा तो मतलब ये यहां तक आ गया, कौन कैसे बनेगी, कौन कैसे, इतना मजे वाकया तुम्हें पड़े। अब ये दुआ करो कि कौन बन जाए, कौन बनाने वाला एक मशहूर इंसान आ जाए, यही दुआ करो। इकबाल के कलाम से बनती जा रही है, तो कलाम है ना, बंदा तो नहीं है। मेरे ख्याल से कहा जाजम इतना बड़ा कोई इस्लामी बंदा भी अपने आदमी है ना, खैर है, मगर अक्सर है कि फिर कहा जाजम है। खुलूस की वजह से कौन बन गई, अब बता उसमें खुलूस था, धोखा ही, हमें यही यकीन था कि ये मुसलमानों को धोखा दिए। ये मैनार भी जैट इंटेलिजेंट, कुछ ये नहीं था कि तस्वीर बयान करेगा, ये भी नहीं पता था हमें, हमें तो पता कि ये कौम के जो असाइनमेंट लिया ये पूरा करेगा, ईमानदारी से करेगा, और उसने ईमानदारी से करते करेगा। और कोई खूबी नहीं थी, आनेस्ट था, क्या था, और आपने सारी खूबी आनेस्ट होने के अलावा, ये है आपकी प्रॉब्लम। इसलिए ये दुआ करो कि तुम इस्लाम के पीछे पैर, पर आनेस्टी से पैदा करो, सच से बोलो। जब आदमी अच्छा ना होगा तो मुसलमान कैसे अच्छा बनेगा, अच्छा मुसलमान होने के लिए कम अज कम आदमी तो अच्छा होना। तो ये बुजुर्ग लोग दुआ करते थे, या अल्लाह ये अच्छे अच्छे काफर जो है ये हमें दे, इनको हम मुसलमान बनाएंगे। ये झूठा काफर, झूठे काफर को नहीं कदर करता था, यानी अच्छा सच बोलने वाले काफर, कहता है तो काफर बाबा क्या बात, इसके या अल्लाह दुआ कर ही हमें दे। और दुश्मन का जर्नैल पकड़ के लाए, आपने जर्नैल बना दिया पहुंच, इसे इस्लाम की शान है। इसे दुआ करो कि कौम बन जाए, आपने कौम का सवाल किया, दुआ करो कि कौम बन जाए, और आप भी हम दुआ करते हैं कि इस शख्स को कौम की खिदमत का मौका मिले, जिसका सवाल है वही जवाब बने। ये मैंने एक बात पूछी थी एक जगह पर, अच्छा कि जो शख्स दरे अता होते अता करता, जो शख्स दरे अता पे आखिरी सवाल कर दे, जो आखिरी सवाल होता है, कहते ये है कि उसी को जवाब बनाया जाता है कि ये कैसे है, ये क्या हो गया। तो कहा हाँ ये सवाल तो बड़ा अच्छा किया, इसका जवाब तो खुद दे, तू जिंदा है और ये हाल है कौम का, तू अब जिंदगी के जवाब दे, कौम का माल खाया तूने, कौम में तूने कराई है, कौम के अंदर तू रहा है, अब कौम को लौटा तुमने जो कुछ लिया है कौम से, इसकी जवाब क्या है, जवाब तुम खुद बनो। और फिर जाता है तो आवाज में और आवाजें मिला देगा, और लोगों को मिला देगा, क्योंकि नाअहल आदमी ये सवाल नहीं कर सकता, जिसमें दर्द ना हो ये सवाल नहीं कर सकता, जिसमें दर्द हो वो क्यों नहीं कहते, देखते बढ़िया उसे झूठे आ गए, झूठे कहते झूठों की परवाह ना कर, घर ये देखकर सच्चा कहां मर गया, उसकी आगे सारी कला ठीक हो जाएगी। डोंट वरी कि झूठे आ गए, झूठे आ गए, झूठे आ गए, वो किधर चला गया, सच्चे के आने की बात है, जाल हक हो बस, बाकी सारी बातें गैब हो। इसलिए झूठ के गलबे से डर करो, सच को तलाश करो कहां पर है, अगर ना मिले कहीं फर्जे माल सच्चा तो थोड़ी देर के लिए आप ही सच्चा हो जाए, मसला हल हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, वह थोड़ी देर कौम के लिए तू सच्चा हो जा। ये ना कर सके देखो मैं बिल्कुल होता, लेकिन मेरे मसला ये नहीं है, अगर तेरे मसला ही नहीं है कौम का नाम ले लो, जो सबका होगा तेरे साथ जो ही होगा, अगर सलाहियत है, दर्द है, फिक्र है, क्योंकि इसमें सरमाया क्या होता है, फिक्र, इसमें कोई इजाजत नहीं है, तकरीर नहीं करनी है कि फिक्र है मुझे कौम का, जिसको कौम का फिक्र है उसके पास इलाज है, वही इलाज। जिंदगी में कोई बच्चा बीमार हो जाए तब माँ जो है उसे डॉक्टर के लिए जाने से पहले उसको दुआ के वाले करती है, दर्द में क्या करती है, दुआ या अल्लाह मेहरबानी, अब मेहरबानी जो है ना अल्लाह से मांगो, दर्द अगर है तो नहीं तो फिर आपने छोड़ दो, जिसकी कौम में संभाल ले, कि तुमसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वो खुद चलेंगे, और अगर दर्द है तो आप इसमें लेकर, मतलब नमाज का वक्त आ गया, जान हो गया, इमाम साहब नहीं आ रहे, तो बिस्मिल्लाह पढ़, चलो माजद के साथ ही मसले में चढ़ जाए,
तो जमात होनी चाहिए ना, अमानत के तौर पर खड़ा हो जा, कहते मैं किसी की अमानत में खड़ा हो गया हूं, या अल्लाह माफी कर दे मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन अब जमात का टाइम गुजर रहा है लेकर मैं खड़ा हो जाऊ, वो जब आएगा वो कहेगा एक तरफ हो जाए थैंक यू, तो आप खड़ा हो जाए इमाम साहब, तो ये खाली दे छोड़ो मुसल्ला चलते जाओ, आप वापस जायजा लो, अगर तुम कॉम्पिटेंट हो दर्द तुम्हारा सच्चा है तो इलाज तुम्हारे पास होना चाहिए, या इलाज की ख्वाहिश होनी चाहिए, या अमल होना चाहिए, अगर दर्द नकली है तो मेरे ख्याल है फिर तुम इंतजाम पाओगे, कौम को बिल्कुल ये नकली सारे अजाब में पड़े तुम्हें पता चल रहा है, कौम तो बड़ी आलश है, किसी को करार दे दिया झूठे आदमी आज तक, जो आया चीखता हो गया, कौम इतनी बड़ी महबूब है, महबूबों की कौम है, रानुमा आया कोई आसानी से नहीं गया, कायम कायद आलम भी आसानी से गया, कुछ हो गया, उसके बाद मेरे का जितने भी गए रोकते हुए गए चीखते हुए गए चीखे मारते हुए गए लीडर बनते गए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, ये भी याद रख लो कभी याद आ जाएगी, कि किसी कौम की सरबराही के लिए, किसी मुल्क की हुकूमत के लिए, क्या कहा मैंने सीचा, ये दुआ न करना कि तुम्हें मिल जाए, ये दुआ न करना कि तुम्हें मिल जाए, क्या कहा, अगर दुआ के तौर पर तुम्हें मिल गई तो जिम्मेवारी तुम्हारी होगी, अगर वो अता फरमा दे तो वो खुद ही करेगा, इज्जत तुम्हें मिल जाएगी, तो अगर सर बड़ाई दे रही है अल्लाह दे तो फिर कबूल कर लेना, मांगोगे तो फिर तुम्हें काट के दिखाना पड़ेगा, इसकी सिर्फ एक शर्त है, वो आदमी सर बड़ा बने जो अपने और बेगाने में फर्क, वो आदमी सर बड़ा बने जो उस कौम के गरीब तरीन आदमी के बराबर अपनी जिंदगी का म्यार रखे, वो सरबरा बन सकते हैं, जिसका म्यार है जिंदगी गरीब तरीन आदमी के बराबर, वो खजूर की चटाई बिस्तर, मतलब ये है वो सरबरा बन सकता कौम का, उस पर सरबराई हलाल है, वो मालिक है, और अगर तुम्हारा जो है जिसने लोगों की किताबें लिखी हैं, एक किताब ऐसी कहानी के तौर पर पेश कर दूंगा, इसको फिर भूल जाने आए, तो कहानी अंग्रेजों की, एक अंग्रेज ने किताब लिखी, छोटी सी किताब है क्या, जानवरों की दुनिया, उसमें मतलब ये बताया कि जो जानवर हैं ये एक दफा बागी हो गए, फार्म एक फार्म पे जानवर बागी हो गए, उन्हें किसान मालिक को निकाल दिया, आपने एस्टैब्लिशमेंट कर दिया पूरा बना ली, मुझे एनिमल फार्म में क्या हो गया, बगावत हो गई और मालिक हो गए, और हेड ऑफ द स्टेट जो एक शुगर बन गए, कौन बनेगा ईश्वर, उसने एक अपनी मतलब असेंबली बना ली, और उसने कहा हम जमहूरी कानून बनाएंगे सारे, कानून बनाया ये हो गया, पहला कानून था ऑल एनिमल्स आर इक्वल, कोई जानवर जब बिस्तर नहीं सोएगा, सब जमीन पर रहेंगे, सब बराबर बराबर तकलीफ होंगे, बड़े बड़े खूबसूरत कानून, लोगों ने देखा कि एक दिन ये शुअर लोग जो है ना, एक शुअर जब बिस्तर में लेटे आराम से निरंतर हिसाब से, उन्होंने इतिहास किया कि देखो आपने देखा कानून नंबर एक लिखा हो कि सारे बराबर होंगे, और ये मतलब में सारे आप लोगों के साथ इम्तियाज कर रहे हैं अपने आप का, आप आराम में लेटे हुए आपके पास बिस्तर भी है, उन्होंने कहा नहीं बराबर तो है, वो अमेंडमेंट कर दी कानून में, अगर जैसे लोग गए कहते पढ़ो आइन तो पढ़ो, आइन पर लिखा हुआ था अमेंडमेंट के बाद में ऑल एनिमल्स आर इक्वल, क्या लिखा हुआ बट सम आर मोर इक्वल, तो बात यह है कि फिर यह ना करना कि सब आर मोर इक्वल, तो अगर बराबर करना है तो ये बराबर करो, तो वो आदमी लीड करे कौम को जो मोर इक्वल ना हो, कि मैं बराबर तो हूं लेकिन मैं ज्यादा बराबर हूं, अच्छा आपने ऐसा ज्यादा कर जाए, तो वो आदमी कौम को लीड कर सकते जिसको हर एक भी आपका चेहरा नजर आए, इज्जत का बेटियों में बेटी का वाकियात में वाकियात का, तो ये है तरीका, इसलिए बस सिर्फ दुआ से काम ले लो कि अल्लाह ताला आपको ये मौका दे, क्या मौका दे कि अगर आप फॉलो करने वाले हो तो अल्लाह आपको लीडर दे, अगर आप लीड करने वाले हो तो अल्लाह आपके फॉलोअर दे, अगर आपसे फसाद का खतरा है तो अल्लाह आपको खामोशी दे, और आपसे कोई सरफराजी होने की तवक्को है तो अल्लाह आपको मौका दे, बस ये करार आ जाए, ज्यादा शोर से बचाना, और अल्लाह के यहां कोई इतना बड़ी तरह की जरूरत है कि मैं जा रहा हूं मैं इंतजाम कर रहा हूं, मतलब लाउड स्पीकर पहले खरीदे
क्या तकरीर होगी? तकरीर होगी, जज्बा होगा, तकरीर होगी, लाउडस्पीकर तकरीर होती है। लिहाजा आप मेहरबानी का लाउड स्पीकर ना खरीदना, क्योंकि तकरीर नहीं होगी। तकरीर कब होगी? जब जज्बे अता हो, जब वो जज्बे अता करेगा, तकरीर होती जाएगी, लाउड स्पीकर बनते जाएंगे। पहले को लाउड स्पीकर खरीद रहे हो, देखो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साहबान कौम तकरीर कर रहा है, सियासी आदमी कह मेरी कौम हम नहीं जानते कि हम क्या करने वाले, लेकिन एक बात हम जानते हैं, हम वो नहीं बन देंगे जो वो चाहते हैं। क्या हम वो नहीं चाहे बनने देंगे जो वो चाहते हैं? एक दूसरे के खिलाफ बयान हो रहा है, किसी बंदे ने किसी बंदे का टूटे वो काम नहीं किया, सारे मालक में पड़े। ये उसी वक्त तक बात है कि कहते हैं कि खामोशी जो है ना, क्योंकि हक वाले खामोश हो गए, लिहाजा तुम बोलते जा रहे हो। उसी वक्त तक क्या, जब तक उसने जुबान ने खोली, किसने? कॉमन मैन। तो कॉमन मैन की जुबान बन जाओ, सारा मसला हल हो जाएगा। यही राज है।